guys, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to continue study note 7 related to direct taxation, that is profit and gains of business or profession. So today we are going to start with additional depreciation. In the previous video, we have done with depreciation under section 32, that is normal depreciation. Now we are going to see additional depreciation, that is depreciation in excess of the depreciation we have studied in the previous lecture. So now, applicability of this additional depreciation is, it is applicable to all SSE engaged in the business of manufacture or production. So manufacturing or production is included. Next, generation, transmission or distribution of power. मतलब कोई भी SSE जो कि business कर रहा है manufacture और production करने का कोई भी article या thing, और या फिर उसका बिजनेस है जनरेट करना, ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना पावर को. सो ये दोनों हमारे कवर किए जाएंगे एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए. इनके अलावा अगर आप कोई और बिजनेस करते हैं इन दैट केस आप इसके अंदर कवर नहीं होंगे. सो कुछ कंडीशंस है जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती है एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए. इसके लिए असेसी एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होना चाहिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होना चाहिए जो कि सैटिस्फाई कर रहा है एप्लीकेबिलिटी, दैट इज ये जो आपको एप्लीकेबिलिटी दी हुई है मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है कि आपको इसको फुलफिल करना है. नेक्स्ट, असेसी ने एक्वायर किया है या इंस्टॉल किया आफ्टर 31st March 2005 न्यू प्लांट एंड मशीनरी. सो आपको एक्वायर करना है और साथ साथ इंस्टॉल, ध्यान रखिएगा एक्वायर एंड इंस्टॉल बोला है. आपने एक्वायर कर लिया 31st March 2005 से पहले और इंस्टॉल कर रहे हैं उसके बाद, तो क्या इसमें कवर होंगे? तो आंसर है नो, दोनों फुलफिल होना चाहिए, दैट इज एक्वायर एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर 31st March 2005. सो इसमें आपकी न्यू प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, ध्यान रखिएगा सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को आप यहाँ कवर नहीं करेंगे. यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी को लेंगे, लेकिन ये सारों को आप यहाँ पे कवर नहीं करेंगे. फर्स्ट है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, यहाँ कवर नहीं होंगे. दूसरे प्लांट एंड मशीनरी जो कि कोई और पर्सन यूज कर चुका है, भले इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये हो गया हमारा सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, इन दैट केस ये भी आपका यहाँ पे आएगा नहीं. अगर वो है तो उसके लिए आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी आप इंस्टॉल कर रहे हैं ऑफिस में, रेसिडेंशियल या फिर गेस्ट हाउस में, तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आपको लगाना है. नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी में अगर आपको 100% डिडक्शन मिल गया है प्रीवियस ईयर में, तो आपको यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ध्यान रखिएगा 100% डिडक्शन किसी भी तरीके से मिल सकता है, या तो डेप्रिसिएशन के फॉर्म में या कोई और फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर 100% डिडक्शन मिल चुका है तो वो यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट, ऑफिस अप्लायंसेज या फिर रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं तो उनके लिए भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. तो ये 5 हैं जिनके लिए आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है, नॉट ऑन एनी अदर एसेट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो वो यहाँ कवर नहीं किए जाते. नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. हमने देख लिया एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा तो, लेकिन उसका रेट क्या रहेगा, किस रेट में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा. सो यहाँ पे बताया गया है कि 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी. फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख है और रिटर्न डाउन, मतलब जिसपे हमने खरीदा था वो कॉस्ट आपका 10 लाख है और हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू है 5 लाख, तो किस पे आपको मिलेगा, ये कॉस्ट पे आपको मिलेगा. ठीक है, सो कॉस्ट पे आपको 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी आपको मिल जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन. एसेट अगर आपने एक्वायर किया है और पुट टू यूज़ किया है, ध्यान रखिएगा एक्वायर एंड पुट टू यूज़ बोला गया है, फॉर लेस देन 180 डेज, जैसा कि हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन के केस में देखते थे तो आपको 50% मिलता था, सेम यहाँ पे भी वैसा ही है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपको 10% मिलेगा और फिर उसके बाद वाले प्रीवियस ईयर्स में आपको 10% बचा हुआ मिल जाएगा. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेशल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज. एक और चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो रिटर्न डाउन वैल्यू में हर साल आपको मिलता जाता है, लेकिन ये जो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा वो आपको सिर्फ एक बार मिलेगा. ठीक है,
So next हमारे पास आता है special rate of additional depreciation in case of notified backward areas. Notified backward areas के लिए special rate of additional depreciation बताया गया. उनको 20% नहीं, उनको कितना मिलेगा? 35% मिलेगा as additional depreciation. किस किस केसेस में ये मिलेगा? तो उसके लिए आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, इन दैट केस आपको 35% डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन. सो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है, एसएससी ने सेटअप किया है अंडरटेकिंग या फिर एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर करने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए आर्टिकल और थिंग. तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट नहीं कवर किया गया, मतलब हमारा जो पावर वाला था, पावर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का जो पार्ट था वो यहाँ पे कवर नहीं है. यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग कर रहे हैं, तभी आप यहाँ कवर होंगे. नेक्स्ट इज सच अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज शुड बी सेटअप ऑन और आफ्टर 1/4/2015 के बाद ही सेटअप होना चाहिए. और दूसरी कंडीशन है आपकी कि नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में आपको सेटअप करना है. कौन कौन से नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं? आंध्र प्रदेश के, बिहार के, तेलंगाना के और वेस्ट बंगाल के. सिर्फ उसी जगह आप अगर सेटअप करते तभी आपको ये मिलेगा. नेक्स्ट, एसएससी एक्वायर कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है न्यू प्लांट एंड मशीनरी, तो उसको मिलेगा. और ध्यान रखिएगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी में जो हमने कंडीशन पढ़ी थी अदर देन द फॉलोइंग वाली, तो वो यहाँ पे भी आपको फुलफिल करनी है. पांच जो हमारे प्लांट एंड मशीनरी आपको यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया था, इनको छोड़ के ही न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपकी होनी चाहिए, तभी आप उसको यहाँ पे कवर कर पाएंगे. सो एसएससी एक्वायर्स इंस्टॉल एनी न्यू प्लांट एंड मशीनरी एज एक्सेप्ट एज पर द कंडीशन टू ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन. सो उसको छोड़ के जो आपके अदर देन द फॉलोइंग वाले बताए उनको छोड़ के बाकी सब यहाँ कवर होंगे, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में. फॉर सच अंडरटेकिंग जो कि आपने सेटअप की है बैकवर्ड एरिया में, ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/2015 से लेके 1/4/2020 तक अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेते हैं तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा सेट बैकवर्ड एरिया पे. ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी 35% को आप जैसे डिवाइड करते थे नॉर्मल डेप्रिसिएशन और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉर्मल वाला हमने देखा, सेम वैसे यहाँ पे भी होगा. 35% का 17.5% आप इस पर्टिकुलर ईयर में ले पाएंगे अगर आप 180 डेज से कम के लिए एसेट को एक्वायर करते हैं और पुट टू यूज़ करते हैं तो. दूसरा आता है कि 17.5% जो बचा हुआ है आपका, वो आप नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में क्लेम कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टैक्स पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना. एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो आपको क्लोजिंग WDV पे मिलेगा रिस्पेक्टिव ब्लॉक के. तो नॉर्मली जैसे हम कंप्यूट करते हैं क्लोजिंग WDV, तो पहले डेप्रिसिएशन निकालते हैं फिर क्लोजिंग आता है. तो फर्स्ट वाला डेप्रिसिएशन आपने निकाल दिया, फिर आप सेकेंड वाला दैट इज नॉर्मल डेप्रिसिएशन, फिर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन लेंगे और उसके बाद आप इसको उसके बाद आपकी क्लोजिंग WDV आएगी. एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपको जब न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपने जिस ईयर में खरीदा था उसी ईयर में आपने बेच दिया, तो उस केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा. पावर यूनिट क्लेम करती है अगर डेप्रिसिएशन SLM मेथड में, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड में, अगर पावर यूनिट जाती हैं उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो रिटर्न डाउन में फॉलो करें या फिर स्ट्रेट लाइन में, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाती हैं तो उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता. सो ये सारे पॉइंट्स थे रिलेटेड टू एडिशनल डेप्रिसिएशन. इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँ तो एडिशनल डेप्रिसिएशन में हमारे पास दो रेट्स हैं, 20% एंड 35%. 20% नॉर्मल केसेस में फॉलो होता है, नॉर्मल केसेस दैट इज प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए और साथ साथ आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होना चाहिए जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर प्रोड्यूस कर रहा है आर्टिकल और थिंग. और उसके साथ साथ अगर आपका बिजनेस है जनरेट करने का ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो आप इसके अंदर कवर होते हैं. और इसके साथ साथ हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन स्पेशल रेट देखा, दैट इज 35%. वो स्पेशल केसेस में फॉर बैकवर्ड एरिया के लिए लगाया गया है. यहाँ पे ये सिर्फ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग के लिए मिलता है और ये जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए नहीं मिलता और उसका रेट है 35%. सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो. डायरेक्टली अब हम एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं ताकि हमको ये और अच्छे से फुल क्लैरिटी इस टॉपिक पे हमको हो जाए. सो एग्जाम्पल देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3. क्वेश्चन है हमारे पास, एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो कि कमेंस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1st सितंबर 2019 से उसने स्टार्ट किया है और एक्वायर किया है ये सारे एसेट्स
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20, ठीक है। सो आपको बताना है कि यहाँ पे आपका डिप्रिसिएशन कितना होगा फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 और रिटर्न डाउन वैल्यू बतानी है एज ऑन 1st April 2020। सो क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग, इसमें आपको नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलता है, प्लांट एंड मशीनरी में कवर नहीं किया जाता, सो सिर्फ इसमें नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलेगा। बचे हमारे पास मशीनरी ए बी सी डी ई, ये सारे हमारे हो जाएंगे जिन पे आपको डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल सकता है। हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो हमारे अदर देन द फॉलोइंग प्लांट एंड मशीनरी थे वो नहीं है और ये सारे न्यू प्लांट एंड मशीनरी, हम ऐसा मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा मशीनरी एफ आपको सेकेंड हैंड दिया हुआ है तो इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि हमने देख लिया है सेकेंड हैंड पे नहीं मिलता। नेक्स्ट मोटर कार, तो ये व्हीकल है, व्हीकल पे भी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एयर कंडीशनर, जो कि ऑफिस में इंस्टॉल किया गया तो ऑफिस में इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिल जाएगा लेकिन एडिशनल आपको नहीं मिलेगा। और उसके हिसाब से एक्विजिशन ऑफ पुट टू यूज की डेट्स आपको दी हुई है तो उसके हिसाब से देखिए कि किसमें आपको 50% चार्ज होगा और किसमें आपको 100% चार्ज होगा। सो एक्विजिशन की डेट है 4/4/2019 और हमने उसको पुट टू यूज किया है 1/9/2019 को, तो पुट टू यूज आपने 180 डेज से और ज़्यादा दिन के पे ही कर लिया है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली आपके 200 डेज के आसपास होगा। इन दैट केस एज ये 180 डेज से ज़्यादा पे आपने इसको पुट टू यूज़ कर लिया इसलिए यहाँ पे आपको 100% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। नेक्स्ट केस में देखें तो 1/9/2019 है तो यहाँ पे भी 100% मिल जाएगा, नेक्स्ट केस में भी 100% और यहाँ पे भी आपको 100% मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है 1/9/2019 को खरीदा 31/10/2019, मैंने क्या बोला था आपको 4th October 2019 तक आपको देखना है, अगर उसके आगे के कोई भी डेट आती है तो 50% चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ भी 50%, यहाँ भी 50%, यहाँ भी 50%, यहाँ भी 50% और यहाँ भी 50%। आई होप ये क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से कैलकुलेशंस की हमने। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास एसेट्स दिए हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग हमको उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा लगता है वो आप लिख लीजिए। तो हमने देखा कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है हमारी, दैट इज ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है तो नॉन रेजिडेंशियल में आएगी और नॉन रेजिडेंशियल के लिए जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है वो 10% लगता है। प्लांट एंड मशीनरी में हमको स्पेसिफाई नहीं किया गया तो इन जनरल आप इसमें 15% ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब इसमें कैलकुलेशन। सो यहाँ पे बिल्डिंग का करेंगे, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के लिए करेंगे। सो रेट हमको दिया हुआ है, रेट हमने निकाल लिया सॉरी, फिर इसके बाद हमारा आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू। सो रिटर्न डाउन वैल्यू हम लेंगे एज ऑन 1/4/2019। सो 1/4/2019 की रिटर्न डाउन वैल्यू आपको दी हुई है निल एज हमारा बिजनेस स्टार्ट ही 1st September 2019 को हुआ, तो हमारे पास जो भी एसेट्स है वो सब हमने परचेस किया है। तो टोटल कर लीजिए सारे एसेट्स को और सारे एसेट्स का अगर आप टोटल करें तो बिल्डिंग के केस में 50 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ रहा है और अगर प्लांट एंड मशीनरी का आप टोटल करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 32 लाख। नेक्स्ट इसके बाद ये हो गया, आप यहाँ पे इसको टोटल कर लीजिए तो ये हुआ 50 लाख रुपीज़। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद अगर हमने कुछ सेल किया है तो उस सेल को हम यहाँ से डिडक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा सेल। सो सेल के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया तो निल आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि सेल की कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो यहाँ हो गया हमारे पास 50 लाख और यहाँ हो गया हमारे पास 32 लाख। सो अब इसके बाद आएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि रेट हमने ऊपर पे लिखा है। सो बिल्डिंग का 10% अगर आप कैलकुलेट करें तो 5 लाख का यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा और इसके बाद आप इसको निकाल लें तो ये 45 लाख रुपीज़ रिटर्न डाउन वाली हो गई एज ऑन 1/4/2020, ठीक है। अब आती है बात हमारे प्लांट एंड मशीनरी के डेप्रिसिएशन की, तो यहाँ पे ध्यान रखेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी है तो उसका कैलकुलेशन हमको करना होगा। सो सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन।
सो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए मैंने आपको बता दिया कौन कौन से एसेट है जिसपे 100% रहेगा और कौन कौन से पे आप 50% चार्ज करेंगे. रेट भी हमको पता है 15%. सो हमारे पास मशीनरी ए बी सी ऐसी मशीनरीज हैं जिनका आपको 100% चार्ज करना है. तो मशीनरी ए का अगर आप अमाउंट देखें तो 2 लाख रुपीज, मशीनरी बी का 5 लाख एंड मशीनरी सी का 10 लाख. तो टोटल कर लीजिए दैट इज 70 लाख. 17 लाख का आप 100% पूरा चार्ज करेंगे एज डेप्रिसिएशन, मतलब पूरा 15% का आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलेगा. प्लस बचे हुए मशीनरीज और इसमें मोटर कार और एयर कंडीशनर भी कवर्ड है. तो 4 + 3 ये 7, 8, 9, 10 and 15 lakh rupees यहाँ पे हो रहा है जिसपे आप 15% का हाफ यहाँ पे चार्ज करेंगे. सो 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 50%. ठीक है, सो इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 367,500 rupees. अब इसके बाद आता है हमारे पास एडिशनल डेप्रिसिएशन. सो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए भी सेम ऐसा ही हम फॉलो करेंगे. 17 लाख तक के जो एसेट्स हैं उस पर आप चार्ज करेंगे 20% पूरा. इसके साथ साथ देखिए हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसपे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, मतलब मशीनरी एफ, मोटर कार और एयर कंडीशनर. तो बचा क्या हमारे पास, अगर आप देखें तो 50% वाले में दो ही बचे हैं, दैट इज मशीनरी डी एंड मशीनरी ई, जिसका 4 लाख और 3 लाख है. तो 7 लाख रुपीज का 20% मल्टीप्लाइड बाय हाफ, सो ये आपके पास आएगा 4 लाख 10,000 rupees. सो टोटल कर लीजिए तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका प्लांट एंड मशीनरी का आप निकाल सकते हैं. टोटल प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन हमारा होगा 7,77,500 rupees. सो ये आप यहाँ पे शो कर दीजिए 7,77,500. सो ये डिडक्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 24,22,500. ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से कैलकुलेशंस हमने की है. अब देखिए जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का हमारा ये हाफ वाला पार्ट बचा है वो अगले साल आप क्लेम कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपका ये 15 लाख का 15% मल्टीप्लाइड बाई 50 है, तो अब अगले साल से ये आपका 100% आपको मिलने लग जाएगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन का बचा हुआ पार्ट आप अगले साल क्लेम कर सकते हैं. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो. यहाँ पे हमने दोनों देख लिया, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का. बिल्डिंग है इसलिए उसका नहीं आएगा, प्लांट एंड मशीनरी का आया, और प्लांट एंड मशीनरी एज एडिशनल डेप्रिसिएशन में कवर होता है इसलिए उसका हमने कैलकुलेशंस किए. सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ स्लम सेल. सो स्लम सेल होता क्या है? स्लम सेल मतलब आप सेल कर रहे हैं बहुत सारे एसेट्स को एक साथ और उनकी अलग अलग वैल्यू आप नहीं निकाल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड है, वो उसके एक ब्लॉक ऑफ एसेट में 10 एसेट्स थे, उसमें से उन्होंने 9 एसेट्स बेच दिए और वो 9 के 9 एसेट्स उन्होंने 10 लाख पे बेच दिए. अलग अलग उनका वैल्यूएशन नहीं किया, इन दैट केस ये स्लम सेल कहलाएगा. स्लम सेल का ट्रीटमेंट हम हमारी बुक के थ्रू देखेंगे क्योंकि उसमें आपको फॉर्मेट बता दिया गया है, तो डायरेक्टली हम वो फॉर्मेट देख के समझ सकते हैं. फर्स्ट में आपको लेना है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. फॉर एग्जाम्पल हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें जो 10 एसेट्स हैं उनका आप रिटन डाउन वैल्यू निकाल लीजिए. फिर अगर आपने इस साल कोई भी एसेट, इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कोई भी एसेट खरीदा है तो आप उसको यहाँ पे डालिए. फिर अगर आपने कोई भी एसेट बेचा है तो उसको आप यहाँ पे डालिए. ठीक है, और ये जो आपका सेल होगा वो MNO से ज़्यादा नहीं होगा जैसे हम नॉर्मली डेप्रिसिएशन के केस में देखते हैं जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. फिर इसके बाद आपको लेस करना है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड अंडर स्लम सेल. तो स्लम सेल में जो एसेट आपने बेचे हैं उनकी रिटन डाउन वैल्यू यहाँ शो की जाएगी और ये अलग से शो किया जाएगा. यहाँ पे अगर समझ लीजिए स्लम सेल के अलावा कोई एसेट बेचा गया है तो उनका आप यहाँ शो करेंगे. फिर रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड अंडर स्लम सेल का यहाँ पे अलग से वैल्यूएशन होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 एसेट थे स्टार्टिंग में, हमने यहाँ पे 2 एसेट और खरीद लिए तो यहाँ तक आते आते हमारे पास 12 एसेट हो गए. हमने यहाँ पे सेल के टाइम पे एक स्पेसिफिक एसेट को बेच दिया तो अब हमारे पास 11 एसेट हो गए, और 11 में से हमने जो 9 एसेट्स को स्लम सेल में बेचा था तो ये स्लम सेल वाले का अलग से आप शो करेंगे और फिर आपके पास 2 एसेट बचे. ठीक है, तो ये 9 जो एसेट होंगे उनका आप रिटन डाउन वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे.
और ये जो रिटन डाउन वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाएगी एज पर द नोट जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, वो हम आगे देखेंगे. सो ये जो रिटन डाउन वैल्यू है स्लम सेल वालों की, वो आपकी ये पी क्यू आर जो आएगा आपका उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है ना. फिर उसके बाद एट लास्ट आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा और इसमें से आप डिप्रिसिएशन निकाल लीजिए एज परसेंटेज ऑन एक्स वाई जेड, फिर रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर. अब यहाँ पे मेन चीज है कि रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट जो कि हमने स्लम सेल में बेचा है उनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. तो उनकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है जिस पे आपने उन पर्टिकुलर एसेट्स को खरीदा था वो सबसे पहले आप यहाँ पे शो करेंगे. उसके बाद आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो कि आपने एक्चुअली अलाउ किया था उस पर्टिकुलर एसेट में बिफोर 1987-88 के पहले जैसे भी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते थे उसके हिसाब से जो आपने एक्चुअल डेप्रिसिएशन निकाला था वो आप शो करेंगे. उसके बाद आप नोशनल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, मतलब ब्लॉक से अलग उस पर्टिकुलर एसेट का जो रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन आता वो आप निकालेंगे. फिर उसके बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट होगी वो आप यहाँ पे शो करेंगे स्लम सेल वालों की. ठीक है, तो ये था हमारा स्लम सेल वाला केस. नेक्स्ट हम चलते हैं डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर यूनिट्स. एक बार ये स्लम सेल वाले को वापस देखिएगा आपको फुल क्लैरिटी हो जाएगी. अब हम चलते हैं डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर यूनिट्स पे. यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन हम किसका देख रहे हैं, पावर यूनिट्स का. अगर आप देखें कि जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हमने देखा था पावर यूनिट्स को छोड़ के बाकी सबके लिए अप्लाई होता था जो हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन देखा था, लेकिन वही अब डेप्रिसिएशन पावर यूनिट्स के लिए क्या होगा वो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं. सो अंडरटेकिंग एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन और जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. सो अगर आप जनरेट कर रहे हैं या जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पावर तो यहाँ कवर होंगे. ध्यान रखेगा ट्रांसमिशन को यहाँ पे कवर नहीं किया गया है ना, सिर्फ जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कवर है पावर के लिए. और वो चार्ज कर सकते हैं डेप्रिसिएशन जो भी एसेट उन्होंने एक्वायर किया है आफ्टर 31 मार्च 1997, अपनी चॉइस पे वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड पे. रिटन डाउन वैल्यू पे जैसे बाकी सारे एसएससी फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से आपको फॉलो करना होगा. स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए अलग से इनके इनकम टैक्स में रेट्स बताए गए हैं तो वो रेट्स आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं. ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड में आप ब्लॉक वैल्यू नहीं निकालते हैं, आप अलग अलग एसेट का अलग अलग निकालते हैं. ठीक है, अब जो ये ऑप्शन है मतलब आप स्ट्रेट लाइन मेथड लेना चाहते हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू, वो ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम. रिटर्न ऑफ इनकम भरने से पहले आपको ये फर्निश करना होगा. और एक चीज ध्यान रखेगा अगर आपने एक बार कोई भी मेथड चूज कर लिया दैट इज रिटर्न डाउन और स्ट्रेट लाइन तो आप बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते किसी भी असेसमेंट ईयर में, मतलब सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स में ये चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, सो एक बार जो इसने आपने ले लिया वो हमेशा के लिए अप्लाई होगा. नेक्स्ट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल टू द एसएससी. ध्यान रखने वाली बात है कि जिसने स्ट्रेट लाइन मेथड ले लिया पावर यूनिट से अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ले लिया तो उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. ये हमने जब एडिशनल डेप्रिसिएशन देखा था तब भी ये पॉइंट हमने कवर किया था. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ट. स्ट्रेट लाइन मेथड वालों को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता लेकिन उसके जगह आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज करके एक पॉइंट है वो उनके लिए कवर किया गया है. तो बोला गया यहाँ पे ही एप्लीकेबल होगा उन एसएससी के लिए जो कि जनरेट कर रहे हैं या फिर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर रहे हैं. ठीक है, और कुछ कंडीशंस दी गई जो कि कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी. फर्स्ट SLM method of depreciation, that is straight line method of depreciation आपको फॉलो करना है और स्पेसिफाइड रेट्स पे ही फॉलो करना है. ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला कि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे उन्हीं के लिए बना हुआ है. और एसेट आपका क्या हुआ है कब मिलेगा, एसेट आपका आपने बेच दिया है, एसेट आपका डिस्कार्ड हो गया है, आपका एसेट डिमोलिश हो गया है या एसेट डिस्ट्रॉय हो गया है प्रीवियस ईयर में अदर देन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज फर्स्ट बॉट. ये भी ध्यान रखने वाली बात है, मतलब जिस प्रीवियस ईयर में आपने उसको फर्स्ट बॉट इनटू यूज लाया था, मतलब जब पुट टू यूज किया था आपने, अगर उसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज वाला पॉइंट नहीं आएगा. ये कब आएगा, जब किसी भी प्रीवियस ईयर में आपका एसेट सोल हो रहा है, डिस्कार्ड हो रहा है, डिमोलिश हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर जब ये सारी चीजें हो रही है वो प्रीवियस ईयर वो नहीं था जब आपने एसेट को खरीदा था.
ठीक है. सो टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज है क्या, उसको आप समझते हैं हम. तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, इसका आपको दिया हुआ है सबसे पहले मीनिंग. मीनिंग में समझिए, टर्मिनल डेप्रिसिएशन तब आता है जब आपको लॉस होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ सच एसेट. फॉर एग्जाम्पल, 10,000 रुपए रिटन डाउन वैल्यू थी लेकिन हमने बेच दिया 8,000 में. इन दैट केस 2,000 का हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. तब आप आना टर्मिनल डेप्रिसिएशन में, ठीक है. और अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया रिटन डाउन वैल्यू में से हमने एसेट की वैल्यू माइनस की, तो ये हमारा आ रहा है पॉजिटिव में. फॉर एग्जाम्पल, 10,000 का रिटन डाउन वैल्यू था, 8,000 में बेच दिया, 2,000 रुपये का हमारा क्या होगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन. ध्यान रखिएगा, ये जो टर्मिनल डेप्रिसिएशन है फुल्ली अलाउ किया जाता है आपको एज डिडक्शन. पूरा का पूरा आप एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास बैलेंसिंग चार्ज, जस्ट इसका अपोजिट. यहाँ लॉस हो रहा था, यहाँ आपको हो रहा है प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल, हमने खरीदा एसेट रिटर्न डाउन वैल्यू 12,000 है और हमारा जो एसेट है हमने बेच दिया फॉर एग्जाम्पल 15,000 में. इन दैट केस हमको 3,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना. ये जो 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है उस पर आपका बैलेंसिंग चार्ज अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा. और ये मैक्सिमम ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तक रहता है. अब ये मैक्सिमम ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, तो ये आपको क्वेश्चन देखेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. मैं आपको उसके साथ बताऊंगी. ध्यान रखिएगा, जो बैलेंसिंग चार्ज में आपको प्रॉफिट होता है वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है एज बिजनेस इनकम. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि आपको क्लियर हो कि ये मैक्सिमम ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है और साथ साथ हम टर्मिनल और बैलेंसिंग चार्ज को अच्छे से समझ सकें. सो क्वेश्चन देखिए, इम्पॉर्टेंट लिमिटेड है जो कि पावर जनरेटिंग यूनिट है. ऑन 1/4/2017 उसने परचेस किया है एक प्लांट 50,00,000 रुपये में और इसको डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है एट द रेट 15% ऑन SLM बेसिस. SLM आ गया तो हम बैलेंसिंग और टर्मिनल के लिए अप्लाई हो जाते हैं. आपको कंप्यूट करना है बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन. एज्यूमिंग द प्लांट इज सोल्ड ऑन 21/4/2019 को हमने बेच दिया, ये आपको मान के कैलकुलेट करना है. ध्यान रखिएगा, प्राइस आपको अलग अलग दी हुई है कि हमने 7,50,000 में बेचा, 30,00,000 में बेचा, 45,00,000 में बेचा एंड 55,00,000 में बेचा. आपको ये सारे केसेस के लिए इसको सॉल्व करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको चाहिए रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं बताया गया है, तो हमको रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सो हमारे पास है कॉस्ट ऑफ एसेट. कॉस्ट ऑफ एसेट आपको दिया हुआ है 50,00,000 जब हमने खरीदा था. सो 50,00,000 हमने खरीदा कब था, 1/4/2017 को हमने खरीदा था, तब का ये आपको कॉस्ट दिया हुआ है. अब इसमें से आपको फर्स्ट डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना पड़ेगा 17-18 का, है ना. 17-18 का डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%, हमको पता है पहले से आपको रेट दिया हुआ है 15%. सो SLM बेसिस में है तो 7,50,000 ये आपका आएगा. डिडक्ट किया तो हमारा आया 42,50,000. ये हुई हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1/4/2018. फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सो डेप्रिसिएशन आएगा हमारा 18-19 का एट द रेट 15%. ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगा, 7,50,000 रुपीज़. ये डिडक्ट किया हमने तो 35,00,000 रुपीज़ हमारी आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1/4/2019 का हमको रिटर्न डाउन वैल्यू मिल गया जिस पर्टिकुलर ईयर में हमने बेचा है. तो सेल के लिए आप डेट नहीं देखते हैं, उस पर्टिकुलर ईयर का स्टार्टिंग तक आपने कैलकुलेट कर लिया, तो बस उसके आगे के लिए आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ये ध्यान रखना है ना. सो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन में. सबसे पहले हमको मिल गया रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1/4/2019. केस कोई भी रहे, क्योंकि ये सेल्स के हिसाब से केसेस डिवाइड हुए, रिटर्न डाउन वैल्यू सेम ही रहेगी 35,00,000 रुपीज़. 35,00,000, 35,00,000, 35,00,000 एंड लास्ट 35,00,000, ठीक है. सो अब इसके बाद हमारे पास आता है, सबसे पहले हम इसमें क्या शो करते हैं, परचेसेस शो करते हैं. सो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास परचेसेस है ही नहीं, डायरेक्ट सेल का दिया हुआ है. तो हमने किया यहाँ पे सेल किया है हमने, फर्स्ट केस में किया है 7,50,000 पे, ठीक है. 7,50,000 पे किया तो हमारे पास बचा 27,50,000, ये हो गया हमारा बैलेंस. नेक्स्ट केस में अगर आप देखें तो हमने 30,00,000 पे बेचा है और यहाँ पे हमारे पास बचा 5,00,000 रुपीज़. नेक्स्ट केस में हमने बेचा है 45,00,000 में, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है,
यहाँ पे हमको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हम एज माइनस में शो करेंगे, 10 लाख है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 55 लाख, जहां पे हमको प्रॉफिट हो रहा है 20 लाख का, ठीक है। तो फर्स्ट दो केसेस हमारे ऐसे हैं जहां पे हमारा सेल जो है वो कम में हो रहा है एज कम्पेयर टू हमारा जितना रिटर्न डाउन वैल्यू, तो यहाँ पे हमको लॉसेस हो रहे हैं। यहाँ पे 5 लाख का लॉस हुआ या 27,50,000 का लॉस हुआ, तो ये लॉस का हम क्या करते हैं, इसको हम डाल देते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन में। तो फर्स्ट के दोनों केसेस में हमारा पूरा अमाउंट चला जाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन में। अब आता है इम्पोर्टेंट, दैट इज बैलेंसिंग चार्ज में क्या जाएगा। सो बैलेंसिंग चार्ज में हमारे ये दोनों अमाउंट्स आने वाले है ना, और मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तक का अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब अभी तक आपने टोटल कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। सो 7,50,000 दैट इज इक्वल टू 15 लाख रुपीज तक का डेप्रिसिएशन अभी तक हमने क्लेम किया, तो इतना तक का ही सिर्फ बैलेंसिंग चार्ज में जा सकता है। इससे ज्यादा का अमाउंट आपका बैलेंसिंग चार्ज में ना जाके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ट्रांसफर होगा। सो देखिए, फर्स्ट केस में हमारा 10 लाख का आता है, तो 10 लाख तो हमारा ट्रांसफर हो ही सकता है क्योंकि 15 लाख से ज्यादा है, सॉरी कम है। नेक्स्ट केस अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा 20 लाख है, तो हमारा कितना ट्रांसफर होगा, सिर्फ 15 लाख ट्रांसफर होगा। बचा हुआ जो 5 लाख है वो कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम डाल देंगे बचे हुए 5 लाख रुपए को। सो इस तरीके से डिविजन होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हिसाब से बैलेंसिंग चार्ज में आपको डालना होता है। ध्यान रखिएगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन में कुछ भी आपको नहीं देखना है, लॉस हुआ है मतलब पूरा का पूरा अमाउंट आप टर्मिनल डेप्रिसिएशन में डाल दीजिए और ये पूरा का पूरा आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। सो ये किसके लिए था, ये हमारे पावर यूनिट्स के लिए था। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो, और इसी के साथ हमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मतलब पावर यूनिट से रिलेटेड एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।